ओके हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दैट हाउ इट इज द व्हाट इज वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज सेल्फ रिलायंट इंडस्ट्री। आपने नेट में आंसर देखा? अगर आप नहीं देखोगे तो हाउ इज इट पॉसिबल? एम आई ऑडिबल चिल्ड्रेन? यस मैम, यस मैम, तो ये यस बताओ, आप मैंने आपको बोला था इसको लिखो नेट में एंड देन यू आस्क फॉर द आंसर। मैनी थिंग्स वी डू नॉट फाइंड एवरीवेयर, पर आपने करा ही नहीं है। दिस इज अ क्वेश्चन यू माइट गेट इन द बोर्ड। श्रेया, अनुष्का, आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो, फिर भी आप लोगों ने ये सब काम नहीं करा, देखा नहीं नेट में। नेहा, मैम एक बार देखा था तो उसमें ऐसा था कि जो नेक्स्ट स्टेज वाला प्रोसेस होगा उसमें पहले वाले स्टेज का जो प्रोड्यूस होगा वो नेक्स्ट स्टेज का रॉ मटेरियल होगा, इसलिए सेल्फ रिलायंट, और किसी रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती। देखो ये सीन्स, ये एक नया चीज पता चला ना। डिड यू राइट डाउन द आंसर? अनुष्का, इसे छोड़ना नहीं बेटा, आप लोगों के पास सब कुछ सुविधा है। ओके गुड। व्हाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फेसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी? तुम जानते हो जैसे हम लोग पूजा करते हैं घर में, ऐसे खादी वालों का, जो लोग दो जो बिलीव गांधीयन पीपल दे बिलीव दे, वो लोग पहले सूत काटते हैं, यार्न बनाते हैं, मतलब धागा बनाते हैं, रुई से तकली में धागा काटते हैं, पान करते हैं और फिर वो खाते पीते हैं। उनका इट इज ए रिलीजियन। जब तक एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ धागा वो बना ना ले, दे डोंट बिलीव दैट दे हैव डन सम पूजा। समझ में आ रहा है उसका? तो नेहा तुम कहाँ चली गई? इधर आ गई, ब्लैक डॉग। ओके, 90% ऑफ द वीविंग कटिंग एंड प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग इज इन द डिसेंट्रलाइज सेक्टर। स्टडी द फिगर अबव एंड नोट द शेयर ऑफ मिल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हेड लूम? ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, दिस क्वेश्चन हैज ऑलरेडी आस्क्ड। Why is it important for our country to keep the mill sector looms lower than power loom and hand loom? प्रिंसिपल सर एक क्लास ले रहे थे, पता है उसमें एक वर्ड का बार बार प्रयोग कर रहे थे, एपिस्टोमोलॉजी, एपिस्टमिक लर्निंग। एपिस्टमिक लर्निंग इज नथिंग बट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच बूस्ट योर थिंकिंग। मतलब इसके पीछे क्या बात है? इफ आई आस्क व्हाई द शुगर कैन इज स्वीट, देन आप कह सकते हो शुगर कैन इज स्वीट, क्यों कारण है आप इसको बोल सकते हो। इसका वेरी नेचर ही स्वीट है। एक नीम का पेड़ वहीं उगा हुआ है और एक शुगर कैन की खेत में मेड़ में एक नीम का पेड़ है, बाकी पूरे एरिया में शुगर कैन है। दिस इज एपिस्टेमिक एंड दिस इज स्पिरिचुअल ऑल्सो। व्हाई द शुगर कैन ऑल्दो दे आर ग्रोइंग ऑन द सेम लैंड शुगर कैन इज स्वीट एंड वाई द नीम का रेसा रेसा कड़वा है? ऐसे शुगर कैन का रेसा रेसा मिठाई, इट कैन नेवर बी कड़वा। और चंदन की बन में नीम का पेड़ है, वो तो नीम का लकड़ी को चंदन का पेड़ सुगंधित कर देता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड वाई द नीम का पेड़ इज सो फ्रेग्रेंट। उसका टेस्ट कड़वा है पर उसका खुशबू चेंज हो गया, बिकॉज इट इज ग्रोइंग नियर द। तो एक अच्छा व्यक्ति एक बुरे व्यक्ति को चेंज कर सकता है उसकी इन्फ्लुएंस। दिस इज स्पिरिचुअल थिंग बट दिस इज ऑल्सो एपिस्टेमिक लर्निंग। इट इज नथिंग न्यू। तुम अगर जाओ, मैं इगतपुरी में महाराष्ट्र में कोर्स किया था विपासना मेडिटेशन का, 7 दिन का एंड 10 डेज है, 10 डेज।
वी डिड नॉट टॉक, वी डिड नॉट लुक एट ईच अदर, 10 दिन तक हमने बात नहीं करी, एंड यू वोंट बिलीव मेडिटेशन किया पता नहीं कितने घंटे करते थे। खाने के टाइम में वो खाना देते थे, खाना चुपचाप खाओ, खाना भी सैलड मिलता था बहुत लाइट, ऐसा लगता था कि बस हम जैसे उड़ रहे हैं। आज की तारीख में तुम बोलो आई एम टॉकिंग टू यू पीपल, ठीक है, पर घर में वो लड़का आता, मैं कहती हूँ मेरे साथ उतना ही बात करे जितना आवश्यक है। लोग बैठ के बहुत कुछ डिस्कशन करते हैं पर मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं। व्हाट इज दिस एपिस्टेमिक? आप अगर नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि गन्ने की रेसा रेसा मीठा है और नीम का रेसा रेसा है, दे आर ऑन द सेम लैंड, एक मेड़ में है और एक खेतों में, क्यों ये फर्क? क्योंकि नीम को भगवान ने मीठा बनाया, इसका क्वालिटी, इसका जो गुण है उसमें मिठास है। समझ में आ रहा है बच्चों? जाति धर्म और गुण, उसका जो गुण है क्वालिटी है, दैट इज स्वीट। मैं उपासना में ना, वो सत्यनारायण गोयनका जी, वो हमारा क्लास लेते थे, ही यूज्ड टू कंडक्ट द मेडिटेशन, ही स्टिल अलाइव, ही इज अ बुद्धिस्ट। विपासना मेडिटेशन ऑल्सो बुद्धिस्ट मेडिटेशन, वही दैट इज द हाइएस्ट, दैट इज द हेड ऑफिस उनका है इगतपुरी में। इंडिया एक्सपोर्ट्स यर्न टू जापान अदर इम्पोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फॉर इंडिया फ्रॉम इंडिया आर यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। इंडिया की जो कॉटन है आप देख रहे हैं इसमें, आपका कॉटन टेक्सटाइल का आप देख रहे हैं इसमें, ये मैप में कॉटन टेक्सटाइल ब्लैक डॉट जो स्नेहा लेके बैठी हुई है, देखो इसमें मुरादाबाद, अपना सार का, प्रदीप सार का घर है मुरादाबाद, देन आगरा, कानपुर, अहमदाबाद, राजकोट, पोरबंदर, देवास, इंदौर, जलगांव, सूरत, ये जो जलगांव है तो महाराष्ट्र में जलगांव, वर्धा, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, देन आपका चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुराई, हुगली, हावड़ा, मुर्शिदाबाद, ये सब कॉटन टेक्सटाइल की एरिया है। इसको सब अगर तुम रट जाओगे तो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स, यू नो व्हाट इज स्पिंडल्स, द रील्स। पहले स्पिंडल्स ऐसे होता है, वो रील्स है जिसमें धागा आता है ना, जिसको मशीन में, नहीं छोटे छोटे रील आता है मशीन में लगाते हैं, फिर मशीन चलाते हैं तो वो अपना आप आता है, ऐसे ऊपर लगा देते हैं। यस मैम, यस मैम, दैट इज, यस मैम, ये स्पिंडल्स मिला है मोहनजोदड़ो हड़प्पा ने, और आज की तारीख में भी हमारा इंडिया का, हम कॉटन कपड़े नहीं पहन रहे, हमको स्कूल में जो कपड़ा दिया पहने में, मैं क्यों ऐसा पहन के बैठी हूँ, क्योंकि आई कैन नॉट वेयर देम, दैट टू हॉट, चिपक जाता बॉडी में एकदम। पेटीकोट तो नीचे पहन लेते पर फिर भी दे आर वेरी बैड फॉर हेल्थ, इसीलिए मैं स्कूल जाना बंद कर दिया, थोड़ा ठंडा हुआ तो जाऊंगा। दिस इज 100% कॉटन, जो टी शर्ट भी तुम लोग पहन के बैठे हो ना वो नहीं है, फिर भी वो पिंक वाला सही है थोड़ा, क्या ठीक है, जो तुमको अच्छा लग रहा पहनो। तुम लोग एयर कंडीशन में बैठे होते हो पर बहुत गर्मी लगता है मुझे तो, जैसे भी है, none of that, only 10th class is not coming to the school. आज हेमा मैडम पहली बार स्कूल आई है, she was in the कंटेनमेंट जोन, तो 9th क्लास के बच्चे आते हैं, 9th को पढ़ा रही थी, 9th है, 9th बी मेरे क्लास, मैंने भी पढ़ाया था उस दिन। ये मैप वर्क ध्यान रखना बच्चों, ठीक है, इट इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ योर नॉलेज। इंडिया हैज द लार्जेस्ट, इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड, नेक्स्ट टू चाइना, एट अराउंड 34 मिलियन 2003-04 सिंस द मिड 80s। The spinning sector has received a lot of attention
सबसे ज्यादा हमारे देश से एक्सपोर्ट होता तो वही है। मैंने बोला था ना, वो लेडी हमारे घर में है जो चार डॉग रखा है, तो यही तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम, यही कपड़ों का ही है। कुशन कवर, टेबल क्लॉथ, सब कुछ। एक बार कॉटन के कपड़े पहन के, जो कॉटन कपड़ा पहनता ना, फिर वो सिंथेटिक नहीं पहन सकता। और हमारे लिए फोर्सफुल है, बिकॉज यू आर डूइंग जॉब। मैं आते ही धो के छत में डाल दिया, सुखा दिया। मैं नहीं पहनती, मेरे सब कॉटन कपड़े से वो अंदर दबा हुआ है। वही है वे। मैम हाँ जी, मैम स्पिंडल्स क्या है फिर से बता दीजिए। रील्स है तुम्हारे घर में? रील नहीं, धागे नहीं है रील्स की? देख, बड़े बड़े स्पिंडल्स और बड़े बड़े रील्स है, दे आर कॉल्ड स्पिंडल्स। ऐसे बड़ा बड़ा मोटा मोटा लगा रहता है धागा, जिसमें वीविंग होता है, आता है। और आपका टेलर लगाए रखता है टेबल अपने मशीन के ऊपर, स्पिंडल। पहले तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में क्ले प्रिंट स्पिंडल्स मिला, क्ले, उसमें धागा लपेटा जाता है बेटा। मैं अभी जाके लेके आऊं फिर घर से। वी हैव ए लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड। तुम्हारे घर में धागा है? कपड़े पड़ जाए, वो उधड़ गए तो सिलने के लिए, डू यू हैव? यस मैम, यस मैम। यस दैट इज रियल स्मॉल स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। कॉटन यार्न में कॉटन धागा, अकाउंटिंग फॉर 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड। हाउएवर, आवर ट्रेड इन गारमेंट्स इज ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल। पूरे वर्ल्ड में 4/1 है। आवर स्पिनिंग मिल्स आर कॉम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल एंड कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर्स वी प्रोड्यूस। आजकल देखो हमारे देश में, हमने सब वेस्टर्न को खोल के, चाहे घर का पैटर्न हो चाहे कुछ हो, जो पुराने मकान होते थे घर में, मैं तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगी। अभी घर के अंदर आंगन होता था, पुराने घरों में देखो, राघोगढ़ में भी है, घर के अंदर घुसते ही आंगन मिलता है, आंगन मिलता है, आंगन में ही तुलसी का पौधा लगा, और चारों ओर बरामदा होता था। वो घर खत्म हो गया, क्योंकि हमने, आजकल हमारे घर में मेन दरवाजा बंद रहता है। मैंने कभी हमारे घर में नहीं देखा था गांव में कि दरवाजा एक बार सुबह खुला तो रात को ही बंद होता है, या दोपहर को बंद होता है। दोपहर को भी लोग नहीं बंद, क्योंकि हवा आती है ना, तो वहां तखत पड़ा है उसी में लेटे हुए हैं। मैं अपने घर में बात कर रही हूँ, सामने वाले बात कर रहा है, दोपहर में थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, और पहले कभी नहीं बंद होता। वो आंगन वाली वो चीजें खत्म हो गई, घर अब बंद हो गया। और टॉयलेट घर के बाहर करते थे, अब घर के अंदर। लोग तो बिस्तर के साथ, क्या बोलते हैं उसको, अटैच टॉयलेट। सारे जड़ों, सारे बीमारियों की जड़ें हो। हमारे गेल वाले बहुत ही इंटेलिजेंट है, उन्होंने बिस्तर के साथ, घर के साथ अटैच बाथरूम नहीं दिया है। हमारे बी टाइप में देखो, तो घर में है टॉयलेट, है घर के अंदर, दैट इज गुड। पर ये नहीं कि बस बिस्तर के साथ ही तुमने जोड़ दिया, उसी में नहा रहे, सारा गंदगी घर के अंदर सवार है। लोग नहा धो के फिर उसको खूब बंद कर दे। दूसरी चीज ये हो गया। तीसरी चीज दरवाजा बंद करना, मतलब एक ही घर, घर के अंदर आंगन ही नहीं है हवा घूमने के लिए। घर में मेरा देखो, एक खिड़की है, एक दरवाजा ये दो, तीसरी खिड़की वो है, चौथा खिड़की वो है, पांचवा खिड़की मैंने बंद रखा, क्योंकि मैं लैपटॉप, और ये छत को जाने के लिए दरवाजा। हाउ मेनी थिंग्स आर ओपन? 1, 2, 3, 4, 5। और ये कॉरिडोर वाला, वहां मेन दरवाजा खुला है, और सीधा टॉयलेट की भी वो जो है एग्जॉस्ट है, वो भी खुला है। इट इज वेरी अनहेल्दी। आप कितने भी साफ करो, कितना भी साफ करो, मैं भी रोज आरपी देके धोती हूँ, पर आप अगर हवा नहीं जा रहा उसके अंदर, दैट इज अनहेल्दी। मैं यहाँ जहाँ बैठी हूँ ना, मुझे छत पे भी हवा आ रही है, इधर से भी हवा आ रही है, पीछे पंखा चला रहा है। हमने घर के अंदर इतना सामान, इतने सारे लोग, और घर बंद 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 बंद। पहले सभी के घर में ऐसे ही घर होता था, राघवगढ़ में आज भी है। वो सिद्धार्थ जैन लोगों का जो जैन मंदिर है, अंदर घुसते ही उनका वो है, उसके बाहर की साइड में लोगों ने दुकान खोला है, पर अंदर बहुत बड़ा आंगन है। हमने खत्म कर दिया। और वो लोग सिंथेटिक पहनते हैं, क्योंकि वो बंद बंद घर में रहते हैं, वो लोग मशीन में कपड़े धोते हैं। आजकल देखो, सलवार कुर्ता भी लोग सब सिंथेटिक पहन रहे हैं, वो जॉर्जेट वाली। और मैंने तो यहाँ देखा, सब लोगों को इधर इस साइड
लोग घर में भी सिंथेटिक साड़ियां पहन के रहती, कॉटन घर में तो कम से कम कॉटन पहनो, चाहे सूट पहनो चाहे कुछ पहनो, जींस आर कॉटन, वो मोटा जरूर है पर दे आर कॉटन, 100% कॉटन है। कपड़े के अंदर हवा आना जाना चाहिए, टाइट ड्रेस पहनना, और क्या है वो प्लाजो ना मलाजो क्या है, वो भी सिंथेटिक है। हाउ पीपल, मैं तो सर्दियों में भी नहीं पहनता, सर्दियों में उलन पहन के फिर उसके अंदर कॉटन पहनना होता है। रजाई का कवर भी तो आजकल लोग रजाई पहनने लगे, वो पैराशूट जैसा है ना, क्या है वो सिंथेटिक कपड़ा होता है और उसके ऊपर सिलाई है, उसको ओढ़ के सोते लोग, वो जो क्या बोलते हैं रुक जाओ, कंफर्ट अरे नहीं यार छोड़ तू कंफर्ट, उसको क्या बोलते हैं, एक बैग में जो लेके जाते हैं सोने के लिए, बिछा के सो जाओ उसके अंदर घुस के चैन खींच दो, दिल्ली स्लीपिंग स्लीपिंग मैम, बैग, स्लीपिंग बैग। हाँ स्लीपिंग बैग, उसका जैसा कपड़ा रहता है वैसा ही आजकल रजाई भी लोगों ने बना लिया, सिंथेटिक स्लीपिंग बैग, ट्रेन में जाने के लिए वो पहन के, मैं तो नहीं एक दो बार ले गई, ठीक है तो नया नया बहुत मजा आता है कि अंदर घुसेंगे और चैन बंद कर लेंगे और ऐसे टोपी पहन के उसके अंदर से गुड़ूर देखेंगे। अरे अपना कपड़े में पुराने कपड़े जोड़ जोड़ के एक दूसरे के ऊपर लगा लगा के गुड़ूरी पैर बनाते थे पहले, उसमें सोते थे, और मुझे मेरा तो गद्दा भी ऐसा ही है, गद्दा भी रुई का है, तुम सब सिंथेटिक हमने कर दिया विदेशों का देख के, सब कुछ हमारा किचन तो हमारा हाई फाई किचन है, कैसे हाई फाई किचन, डिश वॉशर है, ये है वो है, जो कपड़े धुल के सूखे निकलता ना मशीन में अच्छा तो लगता है, तो धूप में ना सुखा कोई चीज उसमें कैसे होगा, सब अनहेल्दी चीज विदेशी लोगों ने हमको सिखाया और हमने उसको अपनाया। आजकल क्या बोल रहा है, कुक योर फूड थरोली, कुक फूड थरोली ऐसे एडवर्टाइजमेंट में बोल रहा है ना कोरोना के टाइम में, हाउएवर आवर ट्रेड इन गारमेंट्स नॉलेज, खाली चेक करते जाओ बेटा, यू हैव ए लॉन्ग वे टू गो, हम लोग तो मर कब जाएंगे क्योंकि हमारी उम्र हो गया, बाकी यू नीड टू गो ए लॉन्ग वे, अपने जीवन में क्या क्या होगा देखना, आप देखो कितना बढ़िया कपड़े मिलते हैं उससे, फेब इंडिया की भी है और ये कॉटन की जो सलवार कुर्ता है, बारे बहुत बढ़िया कपड़ा, बहुत फाइन बहुत नरम बहुत अच्छा, यहाँ तक तो देखने को नहीं मिलता, दिल्ली में खूब मिलते मार्केट, बना बनाया मिल जाता, तुम लोग दुबले पतरे लोग तुमको मिल जाते, फिर तुम लोग कहाँ सिर्फ कुर्ता सलवार कुर्ता पहनते हो, सब जींस पहनते तुम लोग। Our spinning mills are competitive at the global level and capable of using all the fibers we produce. The weaving, knitting, and processing units cannot use much of the high quality yarn that is produced in the country. These are some large and modern factories in these segments, but most of the production is in fragmented small units, which cater to the local market. This mismatch is a major drawback for the industry. As a result, many of our spinners export cotton yarn, while apparel garment manufacturers have to import fabric. कितना अच्छा चीज है, मैं तो कॉटन ही, सरोजिनी नगर मार्केट जाके देखो, इट इज फ्लडेड विथ फॉरेन थिंग्स, ये जो मैंने अभी प्लास्टिक प्लास्टिक बोला क्या है सिंथेटिक, हाउ दे मस्ट बी वॉशिंग ऑल दिस थिंग्स, दे जाओ लॉन्ड्री में देने, एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न व्हाइल अपैरल गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैव टू इंपोर्ट फैब्रिक, फैब्रिक मतलब कपड़ा, ये ऐसा कपड़ा थान जिसको बोलते हैं फैब्रिक, यार्न इज सोल्ड एट 85 पर किलो, तुम जानते हो यार्न मतलब धागा, गुजरात में जो कट पीसेस होते हैं ना वो सब किलो में बेचते, इफ इट इज सोल्ड एज अ ट्राउजर इट फेचेस
₹100 पर किलो वैल्यू इज एडेड एट एवरी स्टेज फ्रॉम फाइबर टू यर्न टू फैब्रिक एंड टू गारमेंट। जैसे हमने बिस्किट और ब्रेड की बात पढ़ी थी बेकरी का, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव अवर वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग यर्न इन लार्ज क्वांटिटी। अनदर क्वेश्चन एपिस्टेमिक, ऑल्दो आपके इसके पीछे वाली बात समझ के लिखना है, प्लीज गो एंड यूज अ नेट, मैं यही बोल रही हूँ, यू गेट द राइट आंसर। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू इम्प्रूव अवर वीविंग सेक्टर इंस्टेड ऑफ, और मैं बता, मैं हमेशा बोलती हूँ तुम लोगों को कि यूज द टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक इज अवर टेक्स्ट। भगवत गीता अगर हम पढ़ लिया तो हम उसका ट्रांसलेशन में कोई मतलब नहीं है, ट्रांसलेशन पढ़ लिया। कुछ लोग क्या करते हैं मैंने देखा इस बार क्लास 9th में 7th में 8th में, दे ऑल हैव लर्न्ड फ्रॉम आंसर्स फ्रॉम द, एकदम मैडम ने जो आंसर लिखा उनका पेपर आया वही आंसर बच्चों ने लिखा, दे पिक इट अप फ्रॉम द नेट एंड देन फिक्स इट हियर। मैंने तुम्हारे गूगल फॉर्म में पूछा था ना हु वाज द प्रेडिक्ट फॉर यू, तो बोलते ये कौन है, उसको नहीं मालूम। मैंने बोला है यू आर ए फ्रेंच आर्टिस्ट नॉलेज, मैं को याद है ना, मैं कभी कभी सोच के सोचती हूँ क्या हो गया शिक्षा का, क्या हो गया डिफरेंट। मैंने प्रिंसिपल सर को बोलते सर क्या आप इस टाइम बोल रहे हैं, हमारे मुनि ऋषि लोग पहले सोचते थे व्हाई इट रेन्स, कि सुबह उषा वरुण संध्या इसको पूजा करते थे, द फोर्सेस ऑफ नेचर। आज तो सब साइंस ने बता दिया भाई वाटर साइकिल होता है इसलिए बारिश हो रहा है, हमको अब नेचर को पूजा करने में, आज भी लोग हम लोग हम जो से लोग सूर्य को जल चढ़ाते हैं, इसके पीछे कोई कारण नहीं है, सूर्य को पूजा करना नहीं है, सूर्य को कोई जल चढ़ा सकता है इतना दूर है वो, इसके अर्थ है सूर्य को अगर जल चढ़ाओ तो जो सूर्य की जो विटामिन ए तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रहा है आलोक के लाइट जो प्रवेश कर रहा आपके अंदर वो आपको तंदुरुस्त रखेगा। मंत्र पाठ की तो अपना है ही है, नया सुन रही कि नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई तक्यानुसी बात नहीं है, ऑल साइंटिफिक, हमारे जितने भी पद्धति है सब साइंटिफिक। पहले सिंथेटिक मनुष्य ह्यूमन मेड फाइबर था ही नहीं तब, तो कैसे बनता है तुमको मालूम है, कोल से, कोल कोल से बनता सैकरीन, कोल से बनता सिंथेटिक कपड़े, नाइलन टेरिलिन टेरिकॉट किया है, टेरिकॉट है तुम लोग जो पहनते हो जो पिंक कलर का, दैट इज वॉश एंड वेयर, वॉश करो प्रेस नहीं करने की जरूरत हो पहन लो, कुछ लोग तो मशीन से सीधा निकाल के कुचल कुचल होता पहन के आ जाते हैं, कॉटन में टाइम चाहिए, कॉटन में प्रेस चाहिए, कॉटन को कॉटन जैसा कोई कपड़ा ही नहीं है। आपके चमड़े के साथ कॉटन क्योंकि नेचुरल है और हम भी नेचुरल है, उसको पहले कॉटन पहनो फिर उसके बाद कुछ पिनो पहनो सर्दियों में। तुम लोग तो महामनीषी हो, तुम लोग कुछ पहनते नहीं इतना ठंड में, अरे पाँव में कुछ पहनो, लंबा लंबा पैंट नहीं पहनते। ऑल्दो वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन, ये देखो बोल रहा है स्टेपल कॉटन मतलब ओरिजिनल ट्रेडिशनल, द नीड टू इम्पोर्ट इज स्टिल फेल्ट। अच्छा मुझे क्वेश्चन में तुमको पूछ रही हूँ जनरल नॉलेज, कौन सा कंट्री में बेस्ट कॉटन प्रोडक्शन होता है? इंडिया। इंडिया नहीं, इंडिया नहीं, व्हिच कंट्री, इट इज इन एशिया, व्हिच कंट्री? चाइना। इंडिया चाइना, उसका नाम मत लो, नाम लेने से दिन दिन खराब हो जाएगा। हाँ बोलो बॉयज लोग जिंदा हो, यस मैम इजिप्ट। अभी इसने देख लिया, हाँ इसने आज है ना चोर, इजिप्ट तो एशिया में नहीं है, तो कहाँ पे? हाँ इजिप्ट तो एशिया में नहीं है, क्यों नहीं है इजिप्ट? अफ्रीका में है, अफ्रीका में है,
ठीक है अफ्रीका में ही है। अब मेरा गलती पकड़ने के लिए यस कूद पड़ा, यानी कि मैं बोलूँ आंसर वेस्ट क्वार्टर, मैम मैं उस क्योंकि वहां दृष्टिकोण से कॉन्फ्लिक्ट सोच रहा था। किस दृष्टिकोण से? दृष्टिकोण एशिया मैम में। एशिया के हिसाब से सोच रहा था ना। हाँ जी सर, थोड़ा सकल दिखा दीजिए दर्शन आप दृष्टिकोण, जाओ मैं थोड़ा ना तुम्हारा ले लू ले लेती अटेंडेंस, नहीं तो क्लास खत्म हो जाएगा, मैं अटेंडेंस नहीं लिया फंस जाऊंगी। चलो हाँ इजिप्ट अफ्रीका में, सॉरी सर। We have made significant increase in the production of good quality long staple cotton, lakh bales. उसको बेल बोलते हैं। ये मीटर मीटर जैसे नापते हैं ना उसको, बेल्स एंड बेल्स ऑफ क्लोथ। Then जैसे द्रौपदी की वस्त्र हरण हुआ, ना जाने कितने मीटर कपड़ा भगवान कृष्ण ने ऐसा भेज दिया, बेल्स एंड बेल्स ऑफ क्लोथ। नहीं तो दुर्योधन जैसा हट्टा कट्टा आदमी थक जाता, फिर दुशासन खींच खींचते खींचते खुद ही गिर गया दुम पीछे। पावर सप्लाई इज इरेटिक, इरेटिक मतलब कभी है कभी नहीं है। एंड मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड इन द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स इन पर्टिकुलर। ये अनुष्का साडा में लाइट जाती आती रहती है ना? यस मैम। कितना कितना देर तक जाती है? मैम हर कभी चली, जैसे सुबह थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, फिर बहुत कम होता है लेकिन कभी कभी होता है। अच्छा, एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स इन पर्टिकुलर अदर प्रॉब्लम्स देन यू हैव दैट थिंग, वो मैं उसको भूल जाती हूँ, जो लाइट जाते ही लाइट आ जाती है। मैं तो ऐसे ही, मैं अभी बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं करता। हमारे घर में ही है तो भी इन्वर्टर। यू पीपल हैव केप्ट इन्वर्टर अनुष्का? नो मैम, पहले जरूरत रहती थी जब 2-3 घंटे तक जाती थी, अब नहीं जाती इतनी ज्यादा, तो जरूरत ही नहीं रहती। अच्छा, अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर एंड स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। आजकल तो सब कुछ सिंथेटिक है, गुजरात में भी सब सिंथेटिक साड़ियां सब आती है, कुमराज में बिकता है बहुत अच्छे अच्छे साड़ी। कुमराज में जो साड़ी मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है, वो सब सूरत से मंगाते। मैं गई थी एक बार, मेरी बहन का बेटा का जनेऊ था, तो वो जनेऊ में क्या है, मैंने बोला मैं यहीं से ले जाऊंगी, राधिका की दुकान में गई थी, कभी नहीं वो लोग बहुत दिन से बुला रहे थे, फिर मैं गई, दिवेदी मैडम भी गई थी अपने ले लेने। मैं तो बहुत सारे कपड़े खरीदा था, बट देयर क्वालिटी इज गुड, मैं उनके शादी में देने के लिए, वो लोग खुश हो जाते सिंथेटिक साड़ी देख के, कहते फिसलने वाले वाले साड़ी अच्छा लगता है। तो मैं यहीं से लिया था राधिका में, 2 बैग बरबर के लिया, मेरी बहन को भी बहुत पसंद, मुझे नहीं जूट है, कभी कभी ठीक है, मैंने भी खरीदा है कुछ गुना से, पर गुना में वो क्वालिटी नहीं मिलता जो गुमराज में मिलता है। उनको बोल दिया अभी जाके देख सकते हो, कभी जाओ थोड़ा वो और पड़ता है, कौन जा रहा है। जूट टेक्सटाइल्स ये तो बिल्कुल खत्म हो गया था, ये अभी फिर से शुरू हो गया। एक बार क्या हुआ, बंटी भैया की दुकान में जूट के बैग आए थे, मैं गई लिया, मेरे घर में कितने, मैं गई और ले लिया वहां से बूट साइज 2-3। पहले हम लोग सब खाना लाते पॉलिथीन के अंदर रखते, किसके अंदर रखते, वो भी मुझे मड़मड़ मड़मड़ पता आदत है। फिर ना ही प्लास्टिक डब्बा में खाना लेती, स्टील में लेना बेटा खाना, स्टील डब्बा हमें समेटा। फिर बंटी भी एक दिन बोला, मैडम आप ले जाते हो ना, अभी तो सारे टीचर जूट बैग में ही लाते हैं रख के, छोटा सा है किसके पास, बड़ा सा है, सब जूट की बैग से ही लाते हैं। जूट इज ए नेचुरल फाइबर, जूट की जो स्किन है, पेड़ जो है तना इतना मोटा होता है, इससे ज्यादा मोटा नहीं होता, ये उंगली जितना। हमारे घर में खेती होता था, मैंने देखा है, और उसकी जो फाइबर है उसको वो गलता है, उसको पानी में ही धोते हैं ऐसे पटक पटक के, धोबी बचा, फिर उसमें से वो सड़ने के बाद उसमें से बढ़िया धागा आता है। कितना बदबू हो, बचपन में हमको करते थे, बच्चा लोग लग जाओ टांग देते थे पूरा लंबा बरंदा में। फिर उसका जो वो है वो सफेद सफेद है चौक जैसा, फिर हम लोग ऐसे करते थे सिगरेट जैसा वाइट, बहुत हल्का एकदम हल्का। बहुत बदबू मगर, पर वो उसके बाद जो धागा बनाते ना उसमें से,
ऐसा है, ऐसा ऐसा करके, ऐसा करके ऐसा थोड़ा खींच देते हैं पूरा जूप को, ऐसे बाल जैसा, बूढ़ी की बाल, मेरा मम्मी का बाल जैसा, इतना लंबा पूरा व्हाइट है। अभी तो उसने काट दिया, उसका तबीयत ठीक नहीं है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश। अब बांग्लादेश तो पानी के बीच में तैर रहा है, तो भेजेगा ही, एक दूसरे के से घर जानते हैं तो नाव में जाते हैं वो लोग, ताई जी तो बांग्लादेशी है ना, अपने घर से निकले, कितना भी अमीर हो कितना भी गरीब हो सबका घर एक जैसा ही है, पानी के ऊपर मचान टाइप बना के उसी में रहते हैं वो लोग, वो पानी पानी में नाव में जाते हैं एक दूसरे के घर, कहीं भी जा रहे हैं नाव में जा रहे हैं, अपना अपना एक एक नाव है सबके घर में, तो इसे जाते मैं उसे मोटर लगा दो चला के जाओ, मोटर बोट फटफट 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 जाओ, और बारिश के टाइम में तो पूरा पानी ही पानी, ये बेम्बू से बना रहता नीचे घर का फ्लोर। देयर आर अबाउट 70 जूट मिल्स इन इंडिया, सब बंद हो गया, सब कलकत्ता में है, बहुत सब बंद हो गया। मोस्ट ऑफ दीज आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, मेनली अलोंग द बैंक्स ऑफ द हुगली रिवर, इसको लोग गंगा बोलते हैं ना, हुगली इज अ नैरो बेल्ट 98 किलोमीटर लॉन्ग एंड 33 किलोमीटर वाइड। द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप नियर कोलकाता इन 1859 एट विसरा, आफ्टर पटिशन इन 1947 द जूट मिल्स रिमेन्ड इन इंडिया बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश। वो लोग पार्टीशन हो गया तो वो लोग ले लिया थोड़ा सा। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन इन द हुगली बेसिन आर प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज, इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट सपोर्टेड बाई ए गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज रोडवेज एंड वाटरवेज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स, अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट, ये बहुत जरूरी है। पानी में गाड़ते हैं ना, पानी में उसको फंसा के रखते हैं, फिर पत्थर ला देते हैं, फिर वो गलता है, उसका जो स्किन है, उसका जो प्लांट का जो स्किन है वो गलता है, फिर उसको पछाड़ो तो उसके अंदर से काला काला उसका स्किन जो गल गया सड़ गया निकल जाता है और उसके जगह में व्हाइट व्हाइट जूट आ जाता है। हम लोग के घर में इतनी खेती होती थी जितना हमको जरूरत है, बेचने बेचने की तो कोई मतलब नहीं, कोई भी हैंडलूम का काम नहीं, कोई वो जो करते क्या है लेटर वेटर रखने के लिए जो पॉकेट टाइप बनाते वो सब नहीं, वो तो कोई लोग बनाते, हमको तो खाली रस्सी के लिए चाहिए, गाय लोगों को बांधने के लिए, कुएं से पानी निकालने के लिए, वो लोग बना के रखता, हम लोग लेके कपड़ा सुखाने लगते फिर गुस्सा हो जाते वो लोग, हमारे घर में काम करने वाले लोग, ये बच्ची ले गई का वो रस्सी, मैं कपड़ा नहीं सुखाऊ, कहाँ सुखाऊ कपड़ा, ऐसे करके ले जाते, ऐसे गोल गोल करके रखते, ऐसे गोल गोल यूं 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 करके रखते, तो कैसे लेके कपड़ा सुखा देते बारिश के टाइम में। कहा प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, यही मौसम है जब इसका पत्ता खाया जाता है, ये कड़वा रहता है इसका पत्ता, दूसरे साग में इतने छोटे छोटे पान की पत्ते जैसा होता है, छोटे छोटे उसको लेके तोड़ के भादो और आसिन में ये जो कुआ इसमें साग 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 सात प्रकार की साग मिला के उसको बना, इट इज वेरी हेल्दी। बंगाल में तो उनका बरसात में वो है, उनका तो मार्केट में मिलता, हमारे मार्केट में नहीं मिलता, घर में है तोड़ लाओ। अबांडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रॉ जूट चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड एडजोइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार ओडिशा एंड उत्तर प्रदेश। कोलकाता इज ए लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। ज्यादा खर्चा नहीं होता इसको लगाने में। इसका बीज कैसे पता है, जो काला जीरा होता ना, काला जीरा ऑनियन सीड्स वैसे ही होता है, काला ब्लैक लंबे लंबे पेड़ों। द जूट इंडस्ट्री सपोर्ट्स 2.61 लाख वर्कर्स डायरेक्टली एंड अनदर 40 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हु आर एंगेज्ड इन जूट फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनको टीबी हो जाता है क्योंकि उसका रेसा उड़ के ना उनके लंग्स में घुस जाता है। तुम लोग फेफड़े बोलते हो ना, फेफड़े लंग्स को फेफड़ा बोलते हो ना? यस मैम। हम लोग बोलते हैं, हमारे भाषा में बोलते फुसफुस, उसका नाम फुसफुस है उड़िया में।
किताब में भी दिखा रहा था, हंसना नहीं है ये, कोई ऐसा नहीं। फुसफुस फुसफुस द जूट इंडस्ट्री सपोर्ट्स एंगेज्ड इन कल्टीवेशन ऑफ जूट एंड मेस्ता। मेस्ता भी एक प्रकार का फाइबर पेड़ है। मेनी मोर पीपल आर एसोसिएटेड इनडायरेक्टली। चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्री इंक्लूड स्टिफ कॉम्पिटिशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स एंड फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स लाइक बांग्लादेश, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। हाउएवर द इंटरनल डिमांड हैज बीन, हम लोग को बोरी की बहुत जरूरत पड़ती है, खेती बाड़ी का घर है ना, तो धान रखेंगे, चावल रखेंगे, इसके लिए बोरी चाहिए। सबसे एक्सपेंसिव बोरी है चीनी का बोरी, बहुत खपता हुआ रहता है। ये जो पोछा आता है ना, पोछा, वो सुपारी का बोरी है। सुपारी इतना मोटा मोटा, उसमें बोरी भर के रख देते हैं, वो गिरता नहीं है। फिर चीनी उसमें रखेंगे तो सब गिर जाएगा। Challenges faced by the industry include stiff competition in the international market from synthetic substitutes and from other competitors like Bangladesh, Brazil, Philippines, Egypt and Thailand. However, the internal demand has been on the increase due to the government policy of mandatory use of jute packaging to stimulate demand. The products need to be diversified. In 2005, National Jute Policy was formulated with the objective of increasing productivity. Jute factory में ताला लग गया West Bengal में, बहुत लोग without income रह गए। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, आसाम में भी देखा था, सोमेंदा वगैरह, उनका तो jute ताला लग गया। Improving quality, ensuring good prices to the jute। अभी फिर से लोगों का ये bag बना रहा है ना, bags आ रहा है, jute bags, इसमें बहुत है। दिल्ली में भी मैंने देखा, सरोजिनी नगर में खूब सारे बैग बेच रहे, कोई ड्राइंग बना दे रहे, कोई एप्पल बना दे रहे, या भालू बना दे रहे उसके ऊपर, कोई पेड़ बना दे रहे हैं, तो लोग ले जाते। आजकल अच्छा हो गया, गेल में एक बार क्या हुआ, वो दिया उनको कूपन, लोगों को, इनको कूपन मिलता हमेशा सामान खरीदने में, एक नहीं तो उनको दिवाली में मिला था, तो खादी खरीदना और कुछ नहीं खरीद सकते, इसमें लिख दिया उसके ऊपर। तो पियाली मैडम की जो हस्बैंड थे, वो एक कूपन 8,000 रुपीज में एक साड़ी खरीदा, और चाह नहीं देखने में, पियाली कहती देखो 8,000 रुपीज दे के खरीदा, मतलब ये खादी है इसलिए इतना महंगा है, खादी सिल्क उसके ऊपर काम है, जो जानता ये क्या 200 रुपये में सिंथेटिक पर्रो पर, और जमीन पे गलता भी नहीं है वो सिंथेटिक साड़ियां। और ये जूट की तो, ये तो ऐसा होता है, बताओ क्या बोलते हैं उसको, अरे मध्य प्रदेश में बोलते हैं उसको क्या, हम लोग बोलते हैं कोसा, कोसा 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 साड़ी, कोसा का कपड़ा होता है ना, कोसा यानी सिल्क ही है, रॉ सिल्क, कोसा मध्य प्रदेश में कोसा बोलते हैं। कोकुन्स, कोकुन्स से जो मिलता है ब्राउन ब्राउन कलर का, ब्राजील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। हाउएवर द इंटरनल डिमांड हैज बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ, तुम लोग आगे से देखना, कॉटन की चीजें खरीदने की कोशिश करना, जब भी खरीदो कहीं से भी खरीदो, क्योंकि रेयर हो गया, लोगों का डिमांड नहीं है। बंटी तो अट्ठाउन सत्रम चीजें रखता है, बंटी नहीं उसका भाई रोमेंद्र, रोमेंद्र उसका भाई का नाम रोमेंद्र, रोमी मैम। हाँ मैम, मार्क्स कौन सा मार्क्स मैम, वो टेस्ट के, कौन पूछ रहा मुझे, चारों पढ़ाई करो बाद में मार्क्स, बाकी तुम आए नहीं, मैं क्यों तुमको मार्क दूं, तुम तो गोल गोल के अंदर बैठे हो, पूरा आओ जैसे जिंदा चारू आए, मैं तुमको मार्क्स कैसे दे सकती, वो तो स्कूल बनाएगा रिजल्ट ना। नहीं मैम, जिस सब्जेक्ट में आए तो वो बता रहे टीचर्स, वो लोग बता दे रहे होंगे, मैंने मैंने को तो किसी ने नहीं बोला, मैंने नहीं बताया,
मैंने आज ही कंप्यूटर में चढ़ा के सर को देके आ गई। अब आई डू नॉट, तुम्हारे क्लास की तो बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं मेरे पास, सीधा पेपर से लिखा। और वो क्या रिजल्ट है, शिवजीत सिंह यादव 25 नंबर ला रहा है, वो नंबर है देख के लिखा है वो। चारू तुमने देख के नहीं लिखा, सच बताओ। तुमने देख के नहीं लिखा एग्जाम में? नो मैम। क्या तुम बोल रहे हो, मैं तुम्हारा स्टैंडर्ड नहीं जानती? नो मैम, मैंने नहीं लिखा। तुमने बोलने से मैं मानूंगी नहीं, आई एम नॉट एडमिटिंग इट। उसका लैंग्वेज बता रहा है, ये तुम जानते हो और जो ऊपर जो बैठा ना मालिक वो जानता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं हो। मार्क्स तुमको जो आएगा मैं तो दे दिया, मेरे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं, मैं कैसे बता दू। दीज मार्क्स आर नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी एट ऑल। तुम्हारे क्लास में तो 25 की तो लड़ी लगी है। मैं जानती हूँ कौन बच्चा 25 ला सकता है, कौन बच्चा। प्रियांशी अगर 25 लाए ना तो मेरे को मानना है, आई एक्सेप्ट इट, नॉट शिवजीत सिंह यादव। चलो टाइम हो गया, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ रहे थे हम, यही चैलेंजेस फेस यही से पढ़ेंगे। टाइम हो गया, मुझे दूसरा क्लास भी लेना है बेटा, मेरे को मौत बुलवाओ। मैं तुम जानते हो मैं बहुत 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 ही क्या बोलते हैं प्योर आदमी हूँ ना, मैं गलत काम करती हूँ ना गलत। मैम ये सेक्टर लुमेज और पावर लुमेज क्या होता है? पावर लुमेज मतलब जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का पावर आ गया, लूम तो है कपड़ा बुनने का तरीका तो वही है, पर उसमें पावर ऐड कर दिया तो पावर लूम हो गया, वो फास्टर होता है थोड़ा काम। तुम देखो मैंने उस दिन महाराष्ट्र का तुमको बताया था, पैठनी साड़ी औरंगाबाद में बना रहे, दे टेक 1 ईयर टू मेक 1 साड़ी, उसका कॉस्ट कितना था पता है? 3 लाख। और इट इज इन, एक बार बुक में निकला था पैठनी साड़ी के बारे में, मुझे नहीं मालूम था, फिर मैंने प्रांजलि सर की वाइफ को दिखाया, माँ को दिखाया, मैंने देखो ये साड़ी 1 लाख दाम, तब 1 लाख था, एक औरत पहन के खड़ी है, एडवर्टाइजमेंट है किसी मैगजीन में, कह रहे कौन खरीदेगा उसको 1 लाख का, कौन 3 लाख का भी साड़ी कौन खरीदेगा। पर ये एक एसेट है, जैसे बनारसी साड़ी फट जाए सिल्क उसकी तो लोग खरीद लेते, क्योंकि उसमें चांदी और सोने की तार की काम होता है। तो पावर लुमेज में फास्टर होता है। मेल सेक्टर लुमेज क्या? मेल सेक्टर लुमेज वो अगले क्लास में बताऊंगी, टाइम हो गया मुझे दूसरे क्लास को इनविटेशन देना, ठीक है बेटा? दूसरे क्लास जरूर दूंगी, ऐसे जरूर बताऊंगी, जो मुझे आता है तुम करो, जो तुमको आता है तुम बताओ। चलिए शांति पाठ करें। शांति शांति शांति। तुम्हारे मुझे नहीं, मुझे मेरे मेरे मन में ऐसा कोई ये नहीं था कि मुझे बताना है, ना ही प्रिंसिपल सर एक दो बार कुछ बोला कि चलो बता रहे तो बता रहे, इसीलिए मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं। मैंने डायरेक्ट पेपर से लिख के दे दिया, पेपर पढ़ा है, अभी कौन खुलेगा कौन देखेगा। चलो एक मिनट बैठना, मैं जरा एक बार और क्लिक कर दूँ। ओके थैंक यू बेटा, साई राम बाय। कल तो तुम्हारा क्लास नहीं है, कल तो तुम्हारी क्लास नहीं है। ओके okay.